हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी फूड। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ईद स्पेशल बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार मीठे की रेसिपी यानी डेजर्ट की, जो बहुत क्विक बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपके फ्रेंड्स फैमिली सबको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है नॉर्मल टेम्परेचर पर और इसमें हम ऐड करेंगे 2 फुल टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कोई लम्स नहीं फॉर्म होना चाहिए, बस इसे अच्छे से आप मिक्स कर दें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो मिक्स करके रखा था कस्टर्ड पाउडर, स्लोली इसमें मिक्स करते हुए आप ऐड करें। मिक्स करते हुए ऐड करें ताकि कोई लम्स फॉर्म ना हो। इसकी हमें थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए, इसीलिए मैंने कस्टर्ड पाउडर थोड़ा ज़्यादा रखा है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम शुगर 5 टीस्पून के करीब। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क 1 टीस्पून के करीब। इससे रिच होगा और टेस्ट और भी एनहांस होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप शुगर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में स्टर करते रहेंगे ताकि हमारा कस्टर्ड अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कस्टर्ड सेट हो गया है। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी जैसे हमें चाहिए थी। चलिए बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। स्टेप 3 में हमें शीरा बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं ऐड करूँगी पैन में 1/2 टीस्पून शुगर और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून वाटर, 1 कप वाटर, सॉरी 1/2 कप शुगर और 1 कप वाटर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ाफ़रान, इससे टेस्ट और टेक्सचर दोनों एनहांस होगा। बस इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे, सिर्फ एक तार आने तक इसे हम पका लेंगे। देखिए शीरा हमारा रेडी हो गया है। अब हम गैस को फ्लेम ऑफ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने सर्विंग प्लेट ले लिया और इसमें हम रखेंगे रस्क। ये मिल्क रस यूज़ कर रही हूँ मैं। आप चाहें अगर आपके पास ये नहीं है तो ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड को आप साइड्स निकाल लें और उसे थोड़ा सा ड्राई करके, ड्राई करने के बाद आप उसे फ्राई कर लें और फिर सेम इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम इसमें पोर करेंगे शीरा जो हमने बनाया है। याद रखें जब भी आप इसमें शीरा ऐड करें तो थोड़ा सा ल्यूकवर्म हो, ठंडा मत ऐड करें, थोड़ा सा आप इसे कुनकुना करके ऐड करें। इतना कहीं अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने कस्टर्ड बना के रखा था। चलिए नेक्स्ट इस पर डालेंगे हम कस्टर्ड की लेयर।
इसमें रस्क ऐड करेंगे। देखिए इस पर हम शीरा ऐड करेंगे फिर से। ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, जितना ब्रेड के लिए लगेगा बस उतना ही ब्रेड पे ऐड कर देंगे। कस्टर्ड ऐड करेंगे। से लेवल अप कर दिया है मैंने कस्टर्ड को, अब हम इसमें ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए पिस्ता और बादाम लिए हैं मैंने। आप चाहें तो इस पे सिल्वर लीफ भी ऐड कर सकते हैं। आप इसी टाइम पे इसे गार्निश कर दें और फिर रेफ्रिजरेट कर दें 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद आप इसे सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही रिच और बहुत ही ईजी बनने वाला ये डेजर्ट। ईद में आप ज़रूर ट्राई करें। चलिए इसे रेफ्रिजरेट करेंगे 2 से 3 घंटे के लिए और आपको डिश आउट करके बताएंगे। ये देखिए रेडी हो गया है हमारा ईद स्पेशल इजी डेजर्ट, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से रेडी होता है और बहुत ही क्विक बनता है। आप जरूर ट्राई करें हमारी ये रेसिपी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, देखते रहिए हैदराबादी फूड। थैंक यू एवरीवन।